ठगी करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कभी ऑनलाइन फ्रॉड तो फिर कभी फर्जी तरीके से फ्रॉड। जी हाँ, अब हाल ही में एक लड़की को विदेश भेजने के नाम पर ठगबाज लोगों ने 14 लाख रुपए की ठगी कर डाली। सिर्फ इतना ही नहीं, 10वीं पास लड़के से युवती की शादी भी करा डाली। ये पूरा मामला पानीपत के समालखा खंड का है। जी हाँ, सुखदेव कॉलोनी में आईलेट्स और विदेश में भेजने का सेंटर खुला हुआ है। समालखा की रहने वाली एक पीड़िता को विदेश भेजने के नाम पर इन लोगों ने 14.5 लाख रुपए की ठगी की। पीड़िता ने बताया कि पहले ठगों ने उन्हें कनाडा भेजने के लिए प्रोसेसिंग और फॉर्म भरवाने की फीस के तौर पर 50,000 रुपए ठगे, लेकिन रिजेक्शन आने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए माइंड वॉश किया और फिर से 8.5 लाख रुपए मांगे। उसके बाद युवती से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित युवती ने बताया कि उसका माइंड वॉश करके विदेश में भेजने के नाम पर उसने अपने ताऊ के लड़के के साथ फर्जी शादी भी करा डाली। मैं आईलेट्स की कोचिंग लेने के लिए मैंने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का पता किया था, जो कि पानीपत बिशन स्वरूप कॉलोनी में प्रेम हॉस्पिटल के नज़दीक है। 1 महीने के करीब मैंने वहाँ पे कोचिंग लिया। उसके बाद उन्होंने अपने जाल में मुझे फंसाना शुरू कर दिया, झांसा देना शुरू कर दिया कि वो मेरा कनाडा का वीज़ा लगवाएंगे। और कनाडा का वीज़ा लगवाने के लिए उन्होंने मेरा पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया और मुझे मेरे माँ बाप से 50,000 रुपये नगद लिए। और कनाडा का उन्होंने सारा प्रोसेस किया पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने हमें झांसा देना शुरू कर दिया कि आपने ये जो 50,000 दिए हैं ये हम अपनी नेक्स्ट प्रोसेस में एडजस्ट कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे लाए लगाते लगाते फिर उन्होंने यूके की प्रोसेस हमसे डिस्कस करनी शुरू की कि हम आपकी ऐसे ऐसे यूके की प्रोसेस करा देंगे, उसमें 50,000 ये एडजस्ट कर देंगे। और यूके की प्रोसेस के लिए हमने बिल्कुल साफ मना कर दिया था क्योंकि हम लोग इतना हाई अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपने झांसे में हमें फंसाना शुरू किया कि हम आपके थोड़े से पैसे लेंगे। और गीत कुमार भौमिक ने अपने ताऊ के लड़के पंकज कुमार भौमिक के साथ इस तरीके से एक कागजी कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला कि हम शादी करवा रहे हैं आपकी और आपके थोड़े से ही पैसे लगेंगे और आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। और 30 मार्च को मेरा वीज़ा आ गया था, 8.5 लाख रुपये मेरे पापा ने फीस भरी थी यूनिवर्सिटी की। 30 मार्च को मेरा वीज़ा आ गया था। अब तक मुझे मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट, मेरे ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। 5 जून को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने हमसे 5 लाख रुपये और ठगे हैं। टोटल 14.5 लाख रुपये का ठगने का आरोप मैं उनके लगाती हूँ। हम इसको बच्ची को यूके भिजवा देंगे, वहाँ पर स्टडी वीज़ा लगवा देंगे। इन्होंने कहा कि हमारे बस का काम नहीं है इतनी फीसें देना। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपकी एक अपने मैं भाई से शादी करवा देता हूँ। वो जितेंद्र कुमार भौमिक से जो है उसकी शादी करवा दी, पंकज कुमार भौमिक से शादी करवा दी, जो कि वहाँ पर करनाल के अंदर PWD के अंदर पब्लिक जनस्वास्थ्य विभाग के अंदर ट्यूबल ऑपरेटर लगा हुआ 10वीं पास लड़का है, जबकि ये BSc पास युवती है। और इनका ब्रेन वॉश करके वो शादी करा दी। कहने लगे ये फॉर्मेलिटी के लिए शादी है, ना किसी ने किसी के घर आना है ना कोई जाना है। ये बच्ची अपने घर से बैठी है, तब से बैठी है ये 2 साल से, कोई आना जाना नहीं है किसी किस्म का। और इस तरीके से मतलब हर तरीके से इनके ठगी करी। अभी जो है 5 लाख रुपए अप्रैल में लिए हैं इसके पिता से, ये कहकर जब वीज़ा आने के बाद कि भाई इसकी टिकट बुक करवानी है, 1 लाख रुपए टिकट का खर्चा है, 1 लाख रुपए वहाँ पर 14 दिन तक इसको 10 दिन तक क्वारंटाइन में होटल में रहना पड़ेगा, होटल का खर्चा है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए इसकी पॉकेट मनी है। वो सब ये पेमेंट RTS से उसको गीत कुमार भौमिक को करवाई गई। अब वो धमकियां देते हैं इनको बदनाम करने की और इनको जो है परेशान करने कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। आज हम इसी संबंध में SP साहब को मिले हैं कि इस युवती को न्याय दिलाया जाए। तो SP साहब ने पूरी सुनने के बाद, पीड़िता के सारा मसला सुनने के बाद, आर्थिक अपराध शाखा को ये मामला सौंप दिया है कार्रवाई करने के लिए, इकोनॉमिक क्राइम सेल को। और हमें उम्मीद है कि भाई हमें न्याय, इसको युवती को न्याय मिलेगा। हमारी मांग है कि इसको तत्काल 28 जून से पहले इमीडिएटली 2-4 दिन के अंदर इसके ओरिजिनल पासपोर्ट, इसका वीज़ा, इसके जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्री हैं, वो इसको तत्काल मिलनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने SP से भी मुलाकात की और जल्द से जल्द सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। साथ ही कार्रवाई न करने पर प्रशासन को चेतावनी भी दी और कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो वे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।